ट्रीटमेंट में इन्फॉर्मेशन हम और स्प्रेड करें ताकि डॉक्टर्स को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे और वो अपने काम में और बेहतर होते रहे. सो इट्स बीन अ ग्रेट इनिशिएटिव और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा यूडीएफ को ऑफकोर्स और यूडीएफ मेडिका की टीम को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से लोगों में डायबिटीज़ हर 10 आदमी में 8 आदमी में डायबिटीज़ का ये देखा जाता है. इंडिया में करीबन 6.5 करोड़ डायबिटिक्स हैं और उतने से ज़्यादा और डायबिटिक्स प्री डायबिटीज़ में हैं जो बहुत एंक्शियसली जंप करना चाह रहे हैं. हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने का जो तरीका, ये सब कंट्रीब्यूट करता है इसके लिए. और इस तरह का कार्डियोमेटाबॉलिक समिट, एशिया पैसिफिक कार्डियोमेटाबॉलिक समिट एक अपॉर्चुनिटी देता है डॉक्टरों को जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके बारे में सीखने के लिए और थेरेपी में चेंजेस लाने के लिए. तो बहुत ज़रूरी है इंडिया में कि चेंजेस लाए ग्रास रूट लेवल पे ताकि जो डायबिटीज़ जो थोड़ी मिडिल एज में आता था अभी करीब 1 दशक या 2 दशक पहले आना चालू हो गया. तो बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए. मैसेज पहुँचाने के लिए पहली बात तो आई लाइक टू थैंक यूडीएफ ने बहुत हेल्प करी सब डॉक्टर्स को मैसेज पहुँचाने के लिए इस इवेंट के लिए. उसके अलावा हमारा अपना डेटाबेस है, हमारी एक वेबसाइट है simsasia.com जिस पर 1200 रजिस्टर्ड डायबिटोलॉजिस्ट हैं. उन सबको हमने रेगुलर ईमेल्स ई ब्लास्ट करके रेगुलर लेटर्स भेज के इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था और हमें अच्छा रिस्पांस रहा है. काफ़ी ऑल इंडिया लोग आए हैं और नेक्स्ट ईयर वी होप कि इससे बहुत बड़े स्केल पे हम करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा लोग नेक्स्ट ईयर. हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल कि एक ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक बन चुका है. सो इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट नीड्स टू बी एड्रेस. एक्चुअली ये एशिया पैसिफिक समिट जो है यूडीएफ और यूएमपी मेडिका ने जो यूज़ किया है वो हार्ट और डायबिटीज़ दोनों का कनेक्शन के लिए. तो आपको सबको पता होगा कि डायबिटीज़ 6.5 करोड़ तो है और उससे ज़्यादा अराउंड 7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है ये भी पता नहीं चलता. और डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ का जो कनेक्शन है ये इसमें डिस्कस हुआ है. और डायबिटीज़ होना नहीं चाहिए यानी प्रिवेंशन और वहाँ से लेके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज डायबिटीज़ कैसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करा जाए ये तीनों के बारे में डिस्कशन हो रहा है इंटरनेशनल एक्सपर्ट से. और यहाँ पर ये 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ नहीं हो उसके लिए कम खाना चाहिए, सही खाना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए और प्रॉपरली टाइम पे सोना चाहिए. और दवाइयाँ जो आई है जो जूनी दवाई नई दवाई इंसुलिन ये सबका सम्मिश्रण कैसा करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को कैसे अडेप्ट करना चाहिए ये सब चीज़ के डिस्कशन यहाँ पे हो रहे हैं और डॉक्टरों को पढ़ाया जा रहा है. सर आप क्या कहना चाहेंगे अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ से अगर बचना है वो अभी हुआ नहीं है बचना है तो क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो बनने के लिए? बेसिकली जैसे आपको सबने बताया कि हमारे कंट्री में डायबिटीज़ बहुत फैला हुआ है. हमारा कंट्री इंडिया का डायबिटीज़ के वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है. तो मेरी यही मैसेज है सब लोगों से कि जितना हो सके उतना जल्दी उसका ध्यान रखें. पहली चीज़ अगर हमारे फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है तो सबसे जल्दी आपको डिटेक्ट होना ज़रूरी है कि आपको है कि नहीं है. ताकि हम बोलते हैं कि कम से कम उम्र भले आपकी उम्र कोई भी हो लेकिन आप पहले तो ब्लड चेक करवा लीजिए. मोटापा ज़्यादा वज़न होना वो एक मेन कारण होता है डायबिटीज़ होने का. तो जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखिए, वेट कंट्रोल में रखिए. स्ट्रेस टेंशन एक दूसरा मेन रीज़न है आजकल डायबिटीज़ का. तो जितना हो सके लाइफस्टाइल इजी रखे, स्ट्रेस कम ले, टाइम पे खाना, नियमित खाना, जंक फूड अवॉइड करना, ये सब चीज़ें को ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम शायद ये बीमारी से रुक सकते हैं, इसको कंट्रोल में कर सकते हैं. कितना ख़तरनाक होता है अगर ये डायबिटीज़ अपने कहते हैं कि जब अंतिम चरण पे हो जाता है तो कितना खतरनाक होता है? सी खतरनाक डायबिटीज़ खतरनाक नहीं है, हम डायबिटीज़ को खतरनाक बनाते हैं. हम क्योंकि पहले से उसका ध्यान नहीं रखते हैं इसके लिए वो आगे जाके अपने शरीर में परेशानी करता है.
लेकिन अब जिस दिन से आप डिटेक्ट होते हो, अगर आप उसका केयर कर रखोगे और उसका कंट्रोल में रखोगे तो डायबिटीज़ को आप अपने काबू में रख सकते हो और वो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा। अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो आगने के सालों में वो डेफिनेटली दूसरे पार्ट्स पे डैमेज करके तकलीफ कर सकता है। देखिए, पब्लिक के लिए तो सबसे बड़ा रोल आपका है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मैसेज पब्लिक को दे सकता है वो शायद हम एज ए डॉक्टर नहीं दे सकते हैं। तो जब आप ये मैसेज फैलाएंगे कि डायबिटीज़ का कोई सिम्टम नहीं होता और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका रेगुलर टेस्ट कराना, एकदम तंदुरुस्त आदमी को भी अपना 35 साल की उम्र के बाद एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक कराना चाहिए और तभी आपको पता लगेगा कि डायबिटीज़ आपको है कि नहीं। क्योंकि मधुमेह का रोग जब पता लगता है सिम्टम से तब वो काफ़ी लेट हो गया होता है। वो तब पता लगता है जब किडनी फेल कर गई है या हार्ट फेल कर रहा है या कोई ब्लाइंडनेस या लकवा आ गया है, तब हमें डायबिटीज़ का पता लगता है। तो डायबिटीज़ को चेक करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने खून के जांच कराएं। No, I as a doctor don't promote myself, it is unethical. But yeah, if you are saying will I promote the message, yeah sure, I like to promote the message. But I'll certainly not like to promote myself. The summit, the cardiometabolic summit. देखिए, मैसेज तो लोकल एरिया के लिए और पब्लिक के लिए यही है कि आप अपना सेहत का ख्याल रखिए और हम बाकी चीज़ों के लिए इतना खर्चा करते हैं, इतना ध्यान देते हैं, उतना ध्यान सेहत के लिए भी देना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम ये फास्ट फूड जो हैं इनको अवॉइड करें, कोका कोला, कैंपा कोला जैसे जूसेस और ये एरेटेड ड्रिंक्स हैं इनसे बचें, मैदा के प्रोडक्ट से बचें, सिंपल शुगर्स जो हम कहते हैं उनसे बचें। ये एक पब्लिक को जानना ज़रूरी है कि आप छोटा सा गिलास कैंपा कोला या कोका कोला का पी जाते हैं तो उसके अंदर जितनी कैलोरीज हैं उनको बर्न करने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे का वॉक करना पड़ेगा। पीने में हमें 2 सेकंड नहीं लगते और उसको बर्न करने के लिए हमें 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। धूम्रपान हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ना कि खुद ना करें बल्कि अगर कोई दूसरा कर रहा हो तो उसके साथ खड़े भी ना हों, और मोटापे पे कंट्रोल रखें। तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान हैं, करी जा सकती हैं अगर हम इस पर थोड़ी तवज्जो दें। और ये सब चीज़ें बचपने से शुरू होनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम छोटे बच्चों में गलत आदतें डाल देते हैं। पहले जब बच्चा पैदा होता है उसे खट्टा मीठा कुछ नहीं मालूम होता, तो जब आप उसकी जवान पे ये फास्ट फूड लगा देते हैं तभी वो बच्चा 5-7 साल की उम्र में आके लड़ने लगता है। तो आप शुरू से ही उस बच्चे की हेल्थी हैबिट डालेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे ये कितना कठिन होता है इस प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, और क्या संदेश देना चाहेंगे आज ये जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है? ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना तो बहुत ही कठिन होता है। हमारे कंट्री में या हर जगह एक हैबिट है कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट है और जहाँ पे फ़न है वहाँ तो लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे लोगों को मैसेज पहुँचाना और इंश्योर करना कि वो वहाँ तक आए एक काफ़ी बड़ा टास्क है। फिर हमारे यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए हैं ये बहुत ही वेल नोन लीडिंग स्पीकर्स हैं, इनके पास इतना समय नहीं रहता है, ये एक मिनट एक शहर में दूसरे मिनट दूसरे शहर में होते हैं। इनको इकट्ठा करके एक रूफ के नीचे इतने सारे लोगों को जमा करना बहुत ही कठिन काम। आने वाले दिनों में इस प्रकार का और कोई आपका इवेंट आप लोगों ने प्लान किया है अवेयरनेस के लिए? हमने जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उस पर हम इवेंट करते हैं। अभी जैसे हमने डायबिटीज़ पे किया है और दिसंबर में हम ऑनकोलॉजी पे कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर इंडिया में बहुत टाइप के कैंसर फैल रहे हैं, हमने एक इवेंट उस पर ऑर्गेनाइज़ किया है। और अगले साल का ये वाला इवेंट तो हम और बड़े स्केल पर करने ही वाले हैं। Now,
या वैसे पहले से तो बहुत इम्प्रूव हो गया है, लोग बहुत ध्यान देने लगे हैं. अभी कल ही मैं बाहर थी, सिंगापुर में थी, तो वहाँ पे बाहर के सब कंट्रीज़ के लोग थे और सब मुझे पूछ रहे थे कि इंडिया में लोग इतने फैट क्यों होते हैं, क्या वो बटर बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो मतलब उसका जवाब तो यही था कि हाँ खाते हैं. और सब्जियाँ ऐसे क्यों पकाते हैं कि कोई सब्जी पहचानी ही नहीं जाती है देखने में कि ये सब्जी कौन सी है, क्योंकि बाहर तो सब्जी पकाते हैं तो उसका रंग और रूप सेम रहता है. इंडिया में जब सब्जी पकाते हैं तो उसको पूरा मिक्स करके जो बना देते हैं उससे सिर्फ वजन बढ़ता है. तो लाइफस्टाइल बहुत पीछे से चेंज करना पड़ेगा. जैसे अभी डॉक्टर यादव ने कहा, बचपन से ही लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, बड़े होकर चेंज करना काफ़ी